कौमी असम्बली का इजलास से इस वक्त जारी है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारी शाह साहब, शाह साहब, और ये अगली हमारी सफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तकरीबन सारी इस वक्त कोविड की जद में आ चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम कोलीग्स इस हाउस में जो हैं उनको भी शफा बख्शे, और जो तमाम मरीज हैं इस मर्ज के और दूसरी अमराज के, अल्लाह ताला उनको भी शफा बख्शे। जनाब वाला, पिछले दो रोज में बहुत सी तकारीर हुई, मैं सबका तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोविड पे और जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है उस पे जो है ना मैं कोई बात करूं। मैं जो हुकूमत की जो पॉलिसी है कोविड पे, उसका जो है 17 मार्च से लेकर तक आज तक जो है एक समरी पेश करता हूं उनकी पॉलिसी की हुकूमत। उसके बाद जनाब स्पीकर आप बता दीजिएगा कि इस पॉलिसी का क्या मतलब आपने निकाला है। 17 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कोरोना एक आम फ्लू है, आएगा और चला जाएगा, थोड़ी सी चीज पर टेस्ट कराने चले जाएं ये ठीक नहीं है, घबराना नहीं। उसके बाद फिर मार्च में उन्होंने कहा ये मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लोग भूखे मर जाएंगे। 18 अप्रैल को उन्होंने फरमाया मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, हमारा अंदाजा 25 अप्रैल तक। 3 जून को उन्होंने कहा कि दुनिया भी सोच रही है कि हमारी तरह स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। 4 जून को उन्होंने कहा हमें भी पता था कि लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना फैलेगा। 6 जून को कहा हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है, कोरोना और लॉकडाउन फैशन है, ये गवर्नर सिंध ने कहा। असद उमर साहब ने जून में कहा पाकिस्तान में ये बीमारी इतनी मोहलक नहीं जितनी यूरोप में और दीगर ममालिक में है। 8 जून को कहा वजीर आजम साहब ने आवाम इसको सीरियस भी नहीं ले रहे और आम फ्लू समझ रहे हैं, मुश्किल वक्त आने वाला है, कोरोना को सीरियस ना लिया गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। जनाबे वाला, आप खुद फैसला कर लें, ये मुक्तदर ईवान फैसला कर ले कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। इन तमाम बयानात का कोई मतलब निकाल दे मुझे, कोई इंटरप्रेट कर दे इसको। उनके जो इरादे हैं उसका को हमें पता लग जाए कि वो इस मुल्क और कौम के साथ जनामे वाला। 15 मई को लास्ट मंथ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने एक खत लिखा, एक समरी भेजी चीफ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कहा उस वक्त कन्वर्जन रेट 6% था। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि 6,70,000 अफराद सिर्फ लाहौर में जो है इंफेक्टेड है। ये 15 मई की बात है जब कन्वर्जन रेट जो था वो 6% था। आज कन्वर्जन रेट जो टेस्टिंग्स में जो पॉजिटिविटी आती है उसको कन्वर्जन रेट कहते हैं, आज कन्वर्जन रेट जो है वो 25% हो चुका है। आप 6,70,000 को
पांच से मल्टीप्लाई कर लें, चले चार से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब है सिर्फ लाहौर में 3 मिलियन इंफेक्शन हैं इस वक्त, 3 मिलियन इंफेक्शन हैं। आप इस ईवान का जो रेट है कोविड का, आप सिर्फ उसको जो है देख लें कि टोटल मेंबर्स कितने हैं या टोटल स्टाफ, ये सारा इस ईवान की जो सारे साथ जो हेल्प करता है हमें स्टाफ जो है वो, उनमें से कितने लोग निकले हैं, आपको एक परसेंटेज का एक सैंपल जो है आपके सामने आ जाएगा। हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हु है उन्होंने एक लेटर लिखा है 7 जून को, ये भी पंजाब गवर्नमेंट को लेटर नहीं लिखा, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का जो ओपन करना था वो पाकिस्तान ने गलत किया। लॉकडाउन में हमेशा उस वक्त रिलीफ दी जाती है जब एक सर्टन कंडीशंस जो हैं किसी मुल्क में वो डेवलप हो जाती हैं सेफ्टी की, कोविड से थ्रेशोल्ड्स हैं वो, आप वो 1, 2, 3, 4 जो है आप जिस तरह क्रॉस करते जाते हैं आप उस तरह लॉकडाउन को ईज करते जाते हैं। ये बहुत सारे ममालिक में दुनिया में हुआ है और हो रहा है। हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में दुकानों पे जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें, वोटों की सियासत इस वबा के ऊपर ना करें। मेरी इस्तदा है ये वोटों की सियासत है जो हमें ले बैठी है कि आज जो है रोजाना 5 से 6 हजार, मेरा है लेटेस्ट जो है 5.5 हजार जो है वो हर रोज जो है 5.5, 6, 6.5 हजार जो है कल के परसों जो है वो नंबर था। हमारे यहां पे सर्वेलेंस वीक है, ये भी हु कह रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही कि हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे, ना जाती तौर पे कर रहे हैं ना हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त 10 जो हाईएस्ट नंबर है जिन ममालिक का उसमें शामिल है और आहिस्ता आहिस्ता नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इसका नंबर जो है पहले 3-4 में जो है वो जा रहा है। WHO की सजेशन है इस खत में जो 4 दिन पहले लिखा गया कि आप इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स करें, कि लॉकडाउन करें उसके बाद रिलैक्स करें टू सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो लॉकडाउन जो है रिलैक्स करें उसके बाद फिर लॉकडाउन करें। सिलेक्टिव लॉकडाउन करें कि जहां पे ज्यादा गुंजान आबादियां हैं और वहां पे कोरोना फैल चुका है वहां पे सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, उन इलाकों को सील कर दें। उसके बाद हु आपको कह रहा है कि 2 हफ्ते करें लॉकडाउन, उसके बाद 2 हफ्ते जो है ये कंपैरेटिवली उसको ईज करें। टेस्टिंग जो है आज से 1.5 महीना कबल जो है बयान आया था हुकूमत का, हुकूमत के अदारे का कि जी टेस्टिंग जो है मंडे से, वो मंडे गुजरे हुए आज 1.5 महीना हो गया है कि 50,000 टेस्टिंग तक हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी। आज भी जो नंबर है हमारा 1.5 महीना गुजरने के बाद मेरा है 23,000-24,000 के करीब है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तसदीक कर दें। मुझे कल बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ज्यादा मरीज जो है, उम्र के मरीज जो है उनको एडमिट करना बंद कर दिया गया, बिकॉज उनका ख्याल है कि ये लोग जो है इनको रिट्रीव करना जो है, इनको शफा देना जो है वो मुश्किल है। हम कॉन्सेंट्रेट करें नौजवान लोगों पे और 60 साल के ऊपर लोग जो हैं उनको राइट ऑफ कर दें, उनको अल्लाह के रहमो करम पे छोड़ दें। वह है तो हर चीज ही उसके रहमो करम पे, अल्लाह ताला की जात पे। यानी मेरी उम्र के लोग जो हैं वो हुकूमत उनको अबैंडन कर रही है इस शहर के अंदर और उनको अल्लाह ताला के रहम, हम आगे भी ये पूरी कौम अल्लाह ताला के रहमो करम पे है,
ये हुकूमत के रहमो करम पे नहीं, आपने 18 महीने स्पीकर साहब, जनाबे डेप्टी स्पीकर, आज हुकूमती बेंचों वाले आप भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इसमें, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में, क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की, किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए, दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाबे वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना है, हम उठ के चले जाते हैं वहां, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। जब तक ये मुल्क जो है हमारी कैद में पड़ने से टर्न अराउंड नहीं हो जाता इमरान खान साहब से, तब तक हमें कैद में रखें, हमसे कोई कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो काम करें, ये इस किस्म के बयानात तो ना दें कि हर रोज को आपको टेलीग्राम आ जाती है तो आप बयान दे देते हैं, और उस बयान में और आपके पिछले बयान में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ऑपोजिट होता है। मैं उनके बयान जो उन्होंने कंटेनर पे दिए या स्टील मिल की बात हो रही थी जो उस पर दिए, मैं उस पर भी आऊंगा। इस वक्त क्राइसिस जो है वो गवर्नेंस का क्राइसिस है, इस वक्त क्राइसिस जो है वो कंप्लीट लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है, इस वक्त क्राइसिस जो है कि इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट, कोई रुख नहीं है, कोई सिमत नहीं है, किसी मंजिल का तायुन नहीं है, वी आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिविंग, गुजारा किया जा रहा है। जनाबे डेप्टी स्पीकर, बकौल इस हुकूमत के कि पहली दफा है कि कंप्लीट कोहरेंस है एस्टैब्लिशमेंट में और इस्लामाबाद में, पिंडी में और इस्लामाबाद में, दोनों एक पेज पे हैं, कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारी 72 साल तारीख में कि पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो इतनी उनमें कोहरेंस हो, इतनी हम आहंगी हो उनमें। बकौल इनके, तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो इनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और इनकी तारीफें कर रहे हैं। बकौल इनके, फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो हैं हमें पैसा दे रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा? कल मैंने एक वजीर का बयान हो जाएगा, ओगरा सो रहा है और पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमें ना बताएं, अपने आप को बताएं, अपने आप से पूछें कि पेट्रोल पंप्स पे क्यों लाइनें लगी हुई हैं, ओगरा से पूछें, ओगरा आप आपके नीचे एक गैस सेक्टर का, आप जब पीएसओ को ठेका ना दें और किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दें तेल इंपोर्ट करने का, तो फिर यही होता है जो हुआ है। मैं फिर वापस आता हूं कोविड के ऊपर, जनाब वाला, कल यहां क्या कहा गया कि ऑपोजिशन ने टारगेट किया है जी के वो ईरान से जो लोग आए हैं, जनाब वाला, हमने टारगेट नहीं किया, रिकॉर्ड पे हैं जफर मिर्जा साहब, आप भी मेरा ख्याल उस मीटिंग में चेयर की थी रूम नंबर 5 में, उसमें उन्होंने कहा था 78% बंदा तफ्तान के रास्ते आया है जिसने कोरोना आके फैलाया। खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली, रिकॉर्ड में आप मिनट्स निकाल के देख लें कि तफ्तान का नाम लिया, जायरीन का नाम लिया, और साथ उन्होंने कहा कि 13% जो है वो दूसरे जायरीन थे जो
उम्रे से वापस आए या कहीं से वापस आए, और 5% जो है वो लोकली जनरेटेड जो है ये इंफेक्शन है। हमने ये फिक्र नहीं बताई, ताफ्तान का हमने नाम नहीं लिया, ये मिर्जा साहब ने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने नाम लिया है, जो इस वक्त चेहरा मोहरा है वजीर आजम साहब की एब्सेंस में वजारत सेहत का। जनाब वाला जो इस वक्त हुकूमती ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं कि जिस तरह खजा में पत्ते, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये गलत साबित हो कि जिस तरह खजा में पत्ते गिरते हैं इस तरह इंसानी जाने जो हैं इस मुल्क में जाएंगी कोरोना की वजह से। और ये बात अगर आज लोग इनकार करते हैं उससे, मेरे भाई पटेल ने सही कहा कि कुछ तरीका ढूंढें कि कोरोना भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जिम्मे लग जाए, कुछ तरीका ढूंढें। और जिस तरह 200 बिलियन डॉलर जो है वो मेरे अजीज आज नहीं आए, वो उन्होंने लोगों के मुंह पे मारना था, 100 इस पे 100 इस पे, पता नहीं उनको पता लग गया, उन्होंने बाहर ही रख लिया है, खुद ही रख लिया है, क्या किया। सॉफ्ट वर्ड है यार, कोई और वर्ड इस्तेमाल करो, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी अब उम्र नहीं है इस्तेमाल करने की। जनाब वाला ये लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस इन दिस कंट्री, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। एक सूबा जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया, आपने सियासत करनी शुरू कर दी सिंध के साथ बजाय उसके तकलीद करते उसकी, मुराद अली शाह की। उस बंदे में इतनी गट्स थे, लीड करने की इतनी कैपेसिटी थी, उसने इनिशिएटिव्स लिए, डिफिकल्ट इनिशिएटिव्स लिए, आपने उसको विलिफाई किया। कल रात एक प्रोग्राम चला, उसमें शाहजेब खानजादा कहता है कि एक सरबरा ने अपनी अना और नासमझी में अवाम को खतरे में डाल दिया। सरबरा कोरोना को फ्लू कहता रहा, ना मास्क पहनता था ना समाजी फासला रखता था, सूबाई हुकूमतें लॉकडाउन करती थी तो उनके खिलाफ मुहिम चलाता था और लॉकडाउन के खिलाफ जुलूसों में शिरकत करता था। ये इमरान खान साहब की बात नहीं हो रही, ये ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अगर कोई ममासलत है तो मैं माजरत खाऊं, मेरा मतलब है कोई मिलता जुलता केस अगर हमारे यहां पाकिस्तान में भी है तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूं। जनाब बात तो लंबी नहीं करना चाहता, बजट का इजलास है और मौके भी आएंगे, और भी दोस्त जो हैं मेरे इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन पे बात करूं, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, ये नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं, मैं यहां पे मौजूद हूं, हम दोनों चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन रहे हुए हैं। और दोनों ने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन होने के नाते कैद भी भुगती। नैब 16 नवंबर नैब ऑर्डिनेंस 16 नवंबर 1999 को लागू हुआ था, एम आई राइट शाह साहब? हम ऑलरेडी कैद थे, हमें उसमें बुक कर लिया गया। हम दोनों ने अपनी पार्टियों को बड़े तरले लिए कि इस कानून में तब्दीली लाई जाए, पीपल्स पार्टी ने ज्यादा किए, हमने कुछ चंद लोगों ने दो चार बंदों ने कहा, लेकिन किस्मत में था कि यह कानून जो है जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ
मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, ये किसी सियासी जमात की हुकूमत ने नहीं बनाया था। हमने प्राइवेटाइजेशन की, पीटीसीएल की इंतहाई अच्छी ट्रांजैक्शन जो है हमने उसको स्टार्ट किया, फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया, ट्रांजैक्शन जो है पीपल्स पार्टी ने की, एम आई राइट? हमने सारे बैंक प्राइवेटाइज किए, ये जितने बड़े बड़े बैंक हैं इनको हमने प्राइवेटाइज किया। ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना, टेलीकॉम को प्राइवेटाइज करना, बहुत बड़े बड़ी ट्रांजैक्शन थी। मेरा ख्याल है पीटीसीएल की $10 बिलियन की ट्रांजैक्शन थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी जगह एहतजाज नहीं हुआ। अगर कल कोई समझता था, जो लोग मुकर्रर यहां से आए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई, जनरल मुशर्रफ के वक्त हुई, उसको रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं आज उस वक्त भी कहा था जब वो ट्रांजैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी कि ये फैसला सही नहीं आया। अगर वो ट्रांजैक्शन उस वक्त हो जाती, चाहे उसमें फ्लॉस थे, तो सब्सिक्वेंट 12 सालों के अंदर वतन अजीज को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान, रुपयों का नुकसान ना उठाना पड़ता। अगर आज मुलाजमीन को एक अच्छा सेवरेंस पैकेज मिल रहा है, सेफ एग्जिट नहीं कहते उसको, उसको सेवरेंस पैकेज कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं वीर कमर साहब? गोल्डन एक्स, दैट्स ए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। अगर उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर वहां पे लोग जो है सेटिस्फाइड हो गए, घर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये जो जनाजे हैं पब्लिक सेक्टर में, ये प्राइवेटाइज हों, ये आगे चलें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दें, गवर्नमेंट के लॉसेस जो हैं उनकी जगह जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है पाना शुरू हो जाए। इसी तरह हम पीआईई की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, या उनकी होटलों की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, एयरपोर्ट की जो है आउटसोर्सिंग उन पे भी हम खिलाफ नहीं है। लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माय ओन पार्टी एंड आई थिंक इवन पीपल्स पार्टी विल एंडोर्स दैट। लेकिन खुदारा आज जिस माहौल में आप इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इन अदारों को, एयरपोर्ट्स को या पीआईए के होटलों को, कल मेरे भाई गुलाम सरव खान साहब वजीर जो है एविएशन के, उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $350 अरब का नुकसान कर चुकी है। एक बहुत बड़ी एयरलाइन हमारे मुल्क में, उनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन है, उन्होंने 600 पायलट्स निकाले हैं और 6000 टर्मिनेट किए, और साथ एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री इज अंडर स्ट्रेस, ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे। आप इस माहौल में आपने एयरपोर्ट जो है आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जरूर करें, वेट करें कि 6 महीने साल के बाद मार्केट रिवाइव हो जाए, आप अच्छी मार्केट में अच्छी कीमत ले सकें, अच्छे बायर्स आए। इसी तरह होटलों को आप जरूर लीज पे दें, कोई ट्रांजैक्शन उनकी करें। हम प्राइवेटाइजेशन के, ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, खिलाफ नहीं है, लेकिन जब होटल वीरान हुए हुए हैं, अल्लाहू अकबर। अल्लाह कौमी असेंबली का इजलास